हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम पुराने मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट को अपने नए मोबाइल में बिना कॉपी पेस्ट किए कुछ ही सेटिंग्स को ऑन करने से कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमको करना ये होता है कि हम अपने नए मोबाइल में अपनी पुराने मोबाइल की जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे। और उसे लॉगिन करने के लिए हम अकाउंट की सेटिंग में जाते हैं और अकाउंट की सेटिंग में जाने के बाद अपने जीमेल अकाउंट को जोड़ देते हैं। देखो, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है, मैं अपनी पुरानी जीमेल आईडी को अपनी डाल रहा हूँ इसमें। इसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, अब मुझे इसमें पासवर्ड डालना है अपनी पुरानी जीमेल आईडी का, जो कि मेरे पुराने मोबाइल में पड़ी हुई थी। सिंपली स्टेप है, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है और आसानी से समझ में आ जाने वाला स्टेप है ये। देखिए, गूगल सर्विसेज ऑन हो रही है और हमारा देखो जीमेल आईडी लॉगिन हो चुका है। जीमेल आईडी को लॉगिन करने के बाद हमें करना क्या होता है, हमें सिंक करने होते हैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को। अब देखो, अभी लिस्ट में बिल्कुल कोई नहीं आया है, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं आया है, लेकिन अब जब मैं इसे सिंक करूँगा, सिंक करने के बाद सारे के सारे कॉन्टैक्ट इसमें आ जाएंगे। दोस्तों, होता क्या है, जैसे अगर हमारे किसी दूसरे मोबाइल में दो चार कॉन्टैक्ट हो या 10-20 कॉन्टैक्ट हो, तो उनको तो कॉपी पेस्ट किया जा सकता है या उन्हें आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब हमारे मोबाइल में, पुराने मोबाइल में हज़ारों कॉन्टैक्ट नंबर हो, तो उनको कॉपी पेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम वाला काम होता है। इसीलिए हमें अपनी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड याद रखना आवश्यक होता है। जैसे ही हमें मोबाइल चेंज करना हो या हमारा पुराना मोबाइल खो जाए या कुछ भी हो जाए, उस कंडीशन में हम अपने न्यू मोबाइल में जब हम अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करते हैं और इस तरीके से जब हम सिंक पर क्लिक करते हैं, सिंक ऑल कॉन्टैक्ट्स जब हम करते हैं, तो उसके बाद सारे के सारे कॉन्टैक्ट खुद ब खुद जीमेल अपने आप अपने पास से हमारे मोबाइल में छोड़ देता है और हमारे मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सारे कॉन्टैक्ट आ जाते हैं। जैसे कि देखिए सर, ये जीमेल आईडी मेरी जो है इसमें लॉगिन हो चुकी है और अब मैं इसे जब सिंक कर रहा हूँ, एक मिनट, अभी सिंकिंग का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, ये सिंक, मेरे कॉन्टैक्ट सारे सिंक होना शुरू हो गए हैं, सारे के सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो रहे हैं। और अब मैं अपने कॉल सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके, कॉन्टैक्ट सेटिंग वाली ऑप्शन में जाके सारे कॉन्टैक्ट को देख सकता हूँ। देखिए, अभी हम उस स्क्रीन पे पहुँच रहे हैं। ये सिंकिंग अभी चल रही है क्योंकि कॉन्टैक्ट बहुत सारे हैं, ये 1,500-2,000 कॉन्टैक्ट हैं इसमें। इस वजह से देखिए, सारे के सारे कॉन्टैक्ट आ चुके हैं, सारे के सारे कॉन्टैक्ट आ चुके हैं। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मोबाइल की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि कोई भी मेरी वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।